बाल साहब ने जो कहा करके दिखाया कि नहीं? नहीं बेटा बेटा है बेटा बादल साहब ने जो कहा वो करके दिखाया। जे कहा नीले कार्ड थानू दिते, जे कहा पेंशन थोड़ी आंदी सी पेंशन, जे कहा शगन ते शगन दे चेक आंदे सी बच्चियां नू, जे कहा कि मोटर दे बिल माफ करोगे, बाल साहब ने जो कहा करके दिखाया कि नहीं? नहीं कहता बेटा है बेटा अजय नहीं भरी संगत चो। जो मैं पूछा कि 5 साल पहले जिस करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई सी, जेड़ा कहंदे सी कि सारा कर्जा माफ कर दांगे, आ जिन्ने किसान इत्थे खड़े ने कि इस पिंड दा कोई एक भी किसान है जिदा सारा कर्जा माफ हो गया? हैगा कोई इस पिंड च दसो? होणगे लगदा सारे दा ही माफ हो गए तो सारे चुप बैठे ने। सारा आड़तियां दा कर्जा, प्राइवेट बैंकां दा, कारपोरेट बैंकां दा, सारे कर्जे तुहाडे माफ हो गए तो फिर बधाई दे पात्र नहीं होया? हाँ हूँ दस रहे ने नहीं हुआ। मैं सोचा सारे तरमाला पिंड ही वाह वाह, सारे दे पहले कांग्रेस पहला पिंड होगा सारे पंजाब च, किसे थोड़ा नहीं होया। हो सकता नाल दे पिंड च या कोई थोड़ा रिश्तेदार किसे होर हलके च, किसे दा थानू जान पहचान हैगी जिदे सारा का कोई कांग्रेस ही जिदा सारा कर्जा माफ हो गया? होया ना नहीं होया तो ऐ करया करो, क्योंकि मैंने सुनना तो है ना ना ऐ करके दसन मैनू तो ठीक है। नहीं होया ये बीबिया दस दी, इन्हों पुछो मिनट च दस दसो बीबी थोड़े जवाकों नु घर घर नौकरी, सारिया ने बच्चों की नौकरियां लग गई? हाँ देखा कैसे जवाब दिंदियां ने, इन्हों पुछना चाहिए सही दसिया। मुंडे भावे ना दसन आ सच दसन गया, वो पिछे खड़े ने जवाक, ये तो कहते नौकरी लगी नहीं, बेरोजगारी पता थोड़े खाते च आ गया उन्हें जरूर। दसो बच्चे, ये बच्चे नहीं दसते बीबिया इन्हों खाते च बेरोजगारी पता आया 2500 हर महीने का, जेड़े कहते नौकरी नहीं, कहते नहीं। जेड़ा वो स्मार्टफोन आना सी, वो तो हर बच्चे नू मिल गया होगा, और कुछ नहीं, फोन करके माता नू दस दईए कि साडा फोन चलता है। आ गया स्मार्टफोन है तो दसो स्मार्टफोन आया कि नहीं? ना हुण हाथ हिला रहे ने, चलो स्मार्टफोन भी नहीं आया, पर घट तो घट बुजुर्गों के नाल तो धोखा कांग्रेस नहीं कर सकती है। बापू जी थोड़ी 2500 पेंशन तो आ गई होगी हर महीने, माता थोड़ी तो आ गई होनी है ना? माता कहती मेरी नहीं आई, माता ना माता तो पहले ही कह रहे नहीं आए। माता दी पेंशन ते 51,000 जेड़े धीआं दे चेक आने सी विआह दे, वो माता वो आए, धीआं दे चेक आए सारिआं दे 51,000 दे? ना ना बच्चे भी कह रहे नहीं आए, ना चेक भी नहीं आए। चलो ये बच्चे नूं पुछदे आ, वो कहंदे सी बादल साहब तां तुहाडी माता नूं कल्ले आटा तां दाल दिंदे ने मुफ्त, तुहानूं तां हुण कांग्रेस सरकार दोगी घिओ खंड चाह पत्ती सारा कुछ आया माता दे कोल, किन्नी बोरी आया? वो आप ही कह रहे माता नूं पुछण दी लोड़ी, जवाक ही दसी जा रहे ने कोई आना की सी जिहड़ा मिलदा सी। आ दसदे ने कि 435 कार्ड भी थोड़े कटते जिहड़े बादल साहब दिंदे सीगे, सो इहदा ना ही कटता, माता भी कह रही है। ते देना की सी मिलदा मिलांदा वो सारा कख कख नहीं दिता, सही है कि नहीं? कख नहीं दिता। ते फिर कांग्रेसी कहंदे ना वो तो मुख्यमंत्री कैप्टन माड़ा सी, हुण तां असीं चन्नी नूं बनाता, ते चन्नी तो बड़े वड्डे वड्डे दावे, रोज देखो इश्तिहार दे उत्ते इश्तिहार, बोर्ड दे उत्ते बोर्ड, रोज नवा ड्रामा लैके, कदे कहंदा मैं 5-5 मरले प्लॉट गरीबां च वंडे, इत्थे तां सारिआं दे नवे मकान बन गए होणगे, है ना? दसो किधे बने ना हो के दासियां, ओ भी कहंदे नहीं, ओ बच्चिआं तों भी पता है किसे दा नवा मकान नहीं बनिआ कोई, पर ओ सोना सब पता है, कहंदे कख नहीं बनिआ कोई। फिर तुहाडे पैसिआं दे नाल इन्ने वड्डे वड्डे जिहड़े इश्तहार लाई जा रहे, कदे किसे नूं लड्डू खिला रहे, कदे दीवा जला रहे, ओह किहड़ा गरीब है जिहनूं मिला? कोई जान पहचान च रिश्तेदारी च नाल दे पिंड दे नाल दे हलके च ना, सारे बच्चे ही पे थोड़े लगता थोड़े रिश्तेदारों के नवे पंच दे प्लॉट, 5-5 मरले के प्लॉट बन गए ने, क्योंकि बीबिया के बच्चे तो दस रहे बंदे नहीं दस रहे है, कोई जान पहचान दे रिश्तेदार बच्चों को सब पता है। नवी पीढ़ी बड़ी सियानी है तरमाले पिंड की, देखो इस पिंड बहुत अगे लैके जाऊगी बाल साहब, ये तो बेबी यूथ अकाली दल करना चाहिए बच्चों का यूथ अकाली। अच्छा तो यह भी नहीं, इन्होंने चन्नी साहब फिर कहते हैं कि मैं 36,000 कच्चे मुलाजिम पक्के करते, पीड़ित हो गए सीगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ इत्थे दे मजदूर साडे किसान सारिआं नूं वधिया ढुकदा मुआवजा तुहाडे सारिआं दे खाते विच आया, आ गया ना? नाल दे पिंडां दे किसे नरमे दे खाते च आ गया? किसे मजदूर नूं कोई जान पहचान दा हैगा जिहनूं ढुकदा मुआवजा मिलिआ?
ऐसे कैसे ए बच्चे नु शायद नहीं पता वद्या नु पता होगा थोड़े कोई जान पहचान से हैगा जिनु टुकदा मुआवजा मिल गया दुआनी मिली किसे नु टुकदा छड्डो दुआनी मिली किसे नु किसे मजदूर नु दुआनी मिली जे दुआनी कख किसे नु ना चन्नी ना कैप्टन जे कांग्रेस ने कख नहीं दता फिर वोटां दे वेले तुसी इहनां नु की देना है कख कख देना है ठीक है कि नहीं क्योंकि दिता जब कख नहीं तो फिर वोटां दे वेले कख ही देने इहनां नु ठीक है ते फिर ओह दूजी जिहड़ी झाड़ू वाली पार्टी आंदी है केजरीवाल ने 5 साल शक्ल नहीं दिखाई लेकिन हुण वोटर आ गया ते वड्डे वड्डे वादे वड्डे वड्डे दावे कांग्रेस दी बी टीम मैं पहले कहंदी सी कदे कांग्रेस ही आम आदमी च चले जान आम आदमी तो हुण वापसी उत्थे हो रही अपने हलके च देख लो जेडे आम आदमी उम्मीदवार ने पहले केड़ी पार्टी च सी हुण केड़ी पार्टी चो दावेदार बने बैठे ने ए सारा इहनां दा हिसाब किताब दा चलदा रहिंदा है लेकिन इहनां दे झूठ तो जरूर सचेत रहो क्योंकि केजरीवाल वर्गा महा झूठा कोई नहीं ए तो वह बंदा है जेड़े आपके बच्चों की झूठी सौ खा गया कोई माँ प्यो आपके बच्चे की झूठी सौ खाने की कोई इन्नी इन्नी हिम्मत कर सकता है केजरीवाल ने की याद करो अन्ना हजारे दे साहिब कहता सी मैं तो कल्ले पार्टी बना रहा क्योंकि लोकपाल बिल लागू करना है चलो 10 साल निकल गए अज तक ही नहीं किया लेकिन सीटा माड़िया जी घट रह गया सी तो कहता सी मैं किसी पार्टी नाल समझौता नहीं करांगा तो मन सरकार बनाने वास्ते मुड़के कांग्रेस नाल बह गया हुण इत्थे आके थानू कहंदा मेरी सरकार बना दो झाड़ू वाली ते मैं बीबिया दे खाते च 1000 रुपए पावांगा हर महीने ओ गोवा च वोटां होंदियां ने उत्थे चले जावां उत्थे दी बीबिया नू कहंदा मैं 4000 रुपए पावांगा मैनू वोट पा दो ते जिथे ओहदी सरकार दिल्ली विच है 10 सालां दी उत्थे किसे बीबी दे खाते च अज ताईं दुआनी ताईं नहीं पाई है फोन करके पुछ लो जे कोई रिश्तेदार उत्थे ने इत्थे नारे लाई जांदा है जिथे सरकार है उथे कख नहीं देना जिथे सरकार नहीं उथे लारे लाई जाना कदे कहंदा है अदालत च हलफनामा कि पंजाब दा पानी दिल्ली नू चाहिदा है उने दी सरकार बना के तुसी अपना पानी खो के अग्गे पानी तो असी तरसदे आ अपना पानी दिल्ली भेजना है आपां कदे कहंदा है किसानां दे उत्ते जुर्माना ला दो ए पराली जला ले मेरी दिल्ली दी हवा खराब होंदी है सो जिहड़ा बंदा इत्थे आके झूठ मारदा है पंजाब दे हक च इहने की करना है अज तुहाडी अपनी पार्टी बादल साहब ने जो कहा वो करके दिखाया जे कहा नीले कार्ड थानू दिते जे कहा पेंशन थोड़ी आंदी सी पेंशन जे कहा शगन ते शगन दे चेक आंदे सी बच्चियां नू जे कहा कि मोटर दे बिल माफ करोगे बादल साहब ने जो कहा करके दिखाया कि नहीं नहीं बेटा बेटा मैं बेटा बेटा वो तो बादल साहब की गल कर रही कांग्रेसियों की गल नहीं कर रही उन्होंने गल मुक गई हूं बादल साहब की गल कर रही ते जेड़े काम के उन्होंने करके दिखाए हुण बादल साहब ने जेड़ा कहा कि मुड़ के तुसी साडी सरकार बनाओ पहली गल तो सरकार ते बीएसपी दे नाल समझौता करके एक साडा भरा डिप्टी मुख्यमंत्री होगा दलित परिवार तो दूजा डिप्टी मुख्यमंत्री होगा हिंदू भरा तो तीनों भरा इकट्ठे होके पंजाब दे हर वर्ग की तरक्की वास्ते तीनों ना मेहनत करनगे ते वड्डी गल कि शुरुआत भी सुखबीर जी ने बीबिया माइया तो की जिवें बादल साहब ने किया कि जे तुसी साडी सरकार बनाई सब तो पहले जिवे पहले सहूलतां बीबियां नूं दित्तियां पावे शगन पावे पेंशन पावे आटा दान हुण मनाओगे ते हर माता दा सत्कार वधाउण वास्ते माता जिहड़ी सारी उम्र परिवार की सेवा करती है लेकिन कदे पति तो मंगदी है फिर बच्चियां तो मंगदी है हुण उस माता दा सत्कार वधाउण वास्ते जब तुहाडी सरकार बनूगी फिर हर मुखी माता दे खाते विच हर महीने 2000 रुपए सरकार वालों पाए जाएंगे 24000 थोड़े अपने होंगे इन्हों बच्चों का भी लाड़चा पूरा कर सकते हो ते फिर महंगाई की मार पावे गैस सिलेंडर की कीमत कितने पहुंच जान पावे तेल ते दाला की महंगाई जिथे मर्जी पहुंच जान थोड़ी सरकार बांह फड़ोगी थोड़े अपने 2 पैसे होंगे इस महंगाई की मार तो तुसी बचोगे चाहिए है कि नहीं थानू चाहिए है तो फिर तकड़े होकर मैनू दसो कि चोना विच वोट कितने पाओगे चलो बीबिया माता ने तो जरूर पावानी बाकी जेड़े साडे किसान वीरां ने वास्ते काफी कुछ सुखबीर जी ने कहा तुसी जानदे ही हो लेकिन वड्डी गल कि अज जिथे थोड़ा डीजल 10 रुपए घटाया जाऊगा फला सब्जियां दी एमएसपी दिती जाऊगी दूध दी भी दिती जाऊगी अंडरग्राउंड पाइपां राहीं हर खेत ताईं पानी पहुंचाया जाऊगा लेकिन इस कुदरती आपदा तो बचन वास्ते हर किसान दे हर फसल दी 50000 रुपए प्रति एकड़ सरकार वालों बीमा कराया जाऊगा कि रब ना करे कोई गुलाबी सुंडी चिट्टा मच्छर या कोई कुदरती आपदा हो जाए ऐ करके सरकारां दे मगर थानू नहीं फिरना पऊगा
थोड़ी सरकार थोड़ा बीमा करा के दूगी, सीधे 50,000 रुपए प्रति एकड़ थोड़े खाते में पहुंचूगा। किसी किसान नो बोझ थले आके कोई गलत कदम नहीं चकना पाऊंगा। एदे नाल किसाना दा फायदा होगा कि नहीं? जे होगा तो जकारा छड़ो, फिर पता लगे। बच्चा दी पढ़ाई वास्ते, थोड़ी सेहत वास्ते कई चीजा बलानिया है क्या? तुसी सारे जानदे हो, हर परिवार का 10 लाख तो बीमा कराया जाऊगा। प्राइवेट तो इलाज करा लो, ऑपरेशन करा लो, तुसी सेहत तक ध्यान रखो। सरकार वालों खर्चा दिता जाऊगा, 10 लाख ताई खर्चा हर परिवार कर सकता है। बच्चों की पढ़ाई वास्ते भी थानू पता है, हर बच्चे की सिक्ख्या वास्ते विद्यार्थी कार्ड 10 लाख रुपए ताई प्राइवेट च पढ़ ले, आईलैट्स पढ़ ले, विदेश च पढ़ ले, 10 लाख ताई सरकार वालों इन्हों का खर्चा दिता जाऊगा। जब अपने पैरों से खड़े हो जाएंगे, हौली हौली 10 साल च मुड़ते रहेंगे। इस तो इलावा आ भी सुखबीर जी ने कहा कि जेडे पढ़े लिखे बच्चे अपने पैरों से खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन गरीबी करके आमदन ना होने करके नहीं हो सकते, हुण थोड़ी सरकार थोड़ी बांह फड़ूगी। 5 लाख रुपए सरकार वालों बिना ब्याज कोई मुंडे कुड़ी जेड़ा अपना काम धंधा करना चाहते सरकार वालों दिते जाएंगे। भावे कोई भैन आपकी बुटीक चला ले, आपका पार्लर चला रहे, कोई बच्चा आपका दुकान चला ले, जो काम तुसी करना चाहते हो थानू पैरों से खड़े होने वास्ते थोड़ी अपनी सरकार थानू सहारा दोगी। 400 यूनिट बिजली दे हर परिवार दे मुफ्त किए जाएंगे, कोई जात पात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, हर वर्ग दे मुफ्त किए जाएंगे। 1 लाख सरकारी भर्तियां होनगियां, जिन्हें विचों 50% सीटा नौकरियां बीबिया ते बच्चियां वास्ते होनगियां। 10 लाख होर नौकरियां दा इंतजाम किया जाऊगा। एक कानून लाया जाऊगा कि पंजाब च जिन्ने कारखाने ने प्राइवेट सरकारी जो भी है लाजमी 75% ओहदे विच नौकरियां पंजाब दे ही बच्चियां नूं देनी पैणगियां। फिर आ वड्डी वड्डी इंडस्ट्री भावे थर्मल होए भावे एम्स हस्पताल होए, सारियां दे विच लाजमी पंजाब दे बच्चियां नूं नौकरियां मिलनगियां, साडे बच्चियां नूं होर नौकरियां दा साधन पैदा होणगे। गरीबां वास्ते 5 लाख गरीबां दे मकान बनाए जाणगे। कई चीजा होर हैगियां, मैं सारियां विच मैं नहीं दोहराना चाहुंदी, तुसीं सारे जब सारा चोन मैनीफेस्टो निकलूगा थोड़े ताई पहुंचाइया जाणगियां। सिर्फ मोटी गल आ हैगी, जे श्रोमणी अकाली दल ने कोई वादा किया पहले भी पूरा किया ते गां भी पूरा करांगे। लेकिन अज जिन्नी पार्टियां, क्योंकि हुण फसली बटेरियां दी तरह बहुत सारी नवी नवी पार्टियां थोड़े कोल आणगियां, लुभावने थानू वादे करनगे, लुभावने थानू सपने दिखाणगे। जिवें थानू याद है नवी पार्टियां दी गल करिए, जिहड़ी वोटां वाले निकल के आंदियां ने कल्ले वोटां लुट्टण वास्ते आंदे, लोकां दा भला करन वास्ते ने, ते लोटां वोटां किवें लुटदियां ने 2012 तो याद करो, जब लग रहा सी कि श्रोमणी अकाली दल दी सरकार बन रही है, एक नवी पार्टी खड़ी हुई सी कि नहीं? पीपीपी पतंग दी पार्टी खड़ी हुई सी, पीपीपी पार्टी पतंग वाली किदी पार्टी सी? किदी पार्टी सी? बाल साहब दे रिश्तेदार दी, साडे अपने घर परिवार दी हुई सी। लेकिन निशाना की सी? अकाली दल नू कमजोर करो, बादल परिवार नू कमजोर, होर कोई निशाना नहीं सी। ते जिन्हां ने खड़ी की मुड़ के पार्टी भी गई, तो बंदा भी उस पार्टी च गया जिन्हां ने खड़ी की सी, ठीक है कि नहीं? ऐसी तरह 2019 च जब मेरी चोना हुई सी, आम आदमी ते कांग्रेस दा देखो किवें रले मिले ने, 20 बंदे आम आदमी दे कामयाब होए, 12 बंदे कांग्रेस च भज गए ने। 2019 च मेरे खिलाफ एक खैरा नाम दा बंदा जिहड़ा कांग्रेसी सीगा आम आदमी तो जितया सी, बीबी जगीर कौर दे सामने बलत तो आम आदमी दा जितया होया MLA, मेरे चोना दे मेरे उल्ट खड़ा होया, नवी पार्टी सजा के पंजाब एकता पार्टी बनाती, कल्ले एक निशाने दे नाल बादलां नूं कमजोर करना सी, कांग्रेस की मदद करनी सी, पंजाब एकता पार्टी चलाई, मेरे खिलाफ चोन लड़िया, जमानत जब्त हुई, हुण नशे ते बिक्री करके जेल विच बंद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इहनूं अज ताईं विधानसभा तो नहीं कढ़िया, उहनूं 2-2.5 साल विधानसभा च सजा के रख्या ते मुड़ के हुण कांग्रेस च वड़ गया। सो इस तरह की बहुत सारी होर नवी पार्टियां आ गईयां। मेरी सिर्फ बेनती आ है कि दिल्ली में जिहड़े साडे किसान वड्डी एक संघर्ष जित के आए ने, अज दिल्ली की सरकार पंजाब नूं हर हालत च काबू करना चाहती है। ये सारी पार्टियां का इको निशाना, इस खेतरी पार्टी नूं खत्म करके दिल्ली राज करिए, ते ओह तरह तरह के हथकंडे अपनाउणगे। भाजपा का तो तुसी सुनी लता है कि जिथे उन्होंने खेती मंत्री ने खुद ही कहता कि यह कानून सानू वापस लेना पिया, क्यों लेना पिया सानू पता है, चोणां सामने हैगी उत्तर प्रदेश की, जिदे करके लिता है, कोई गल नहीं डट के फिर असी कानून लैके आवांगे। सो बयान बिल्कुल साफ है, खेतरी पार्टी नूं कमजोर करो, इन्नियां पार्टियां खड़ी कर दियो कि किसे पार्टी की मजोरिटी नहीं हो, या राष्ट्रपति राज ला दियो या फिर ये दिल्ली तो भेजा हो कोई कठपुतली इत्थे बिठा के पंजाब दे सिर ते राज करो। सो मैं आस करदी हां लोकी तुसी सारे
लंबी वाले कल अपनी वोट नहीं, क्योंकि हमेशा तुसी परिवार ते पार्टी दा साथ दिता। भावे अमरिंदर सिंह इथों लड़के गया, मुख्यमंत्री बन गया, मुड़ के आया नहीं, भावे जिन्ने भद्दे गंदे इल्जाम साडे पार्टी दे उत्ते लाए, तुसी कदे साडी पिट नहीं लगन दित्ती, जिहदे करके साडा परिवार हमेशा थोड़े सारिआं दा ऋणी रहूगा। अज आही बेनती करदी आ कि डट के अपनी वोट नहीं, लेकिन तुसी तां प्रचार करो ते बादल साहब नूं तुसी विश्वास दिलाओ कि बादल साहब पहले तां तुसी सारा पंजाब सामने सीगे, हुण इस वारी सानूं तुहाडी सेवा दी लोड़ है। तुसी कल्ले लंबी हलका सामो सुखबीर जी पंजाब सामभ लैणगे, लेकिन साडी नुमाइंदगी तुसी आप करो, ता कि जिवें पहल दे तौर ते साडे काम हुंदे सी, साडे काम उस तरह ही होने चाहीदे ने। ते बादल साहब आनाकानी करदे ने, कदे कहिंदे मेरी सेहत नहीं है, कदे कहिंदे मेरी उमर नहीं है, ते मैं तुहानूं दिखा रही हां कि तुहाडी कृपा दे नाल सेहत भी वाहवा हैगी, ते उमर तां इहनां वास्ते कोई मतलब रखदा ही नहीं हैगा। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬੈਠੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਜੇ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਇਹਨੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਲੈਂਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।